एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो वीडियो है पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है। इन द लास्ट वीडियो वी हैड एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट इज अ ह्यूरिस्टिक एंड द मिनिमम रिमेनिंग वैल्यू ह्यूरिस्टिक वी स्टडीड अबाउट, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लीस्ट कंस्ट्रेनिंग वैल्यू ह्यूरिस्टिक। सो बेसिकली ये इस ए दो लाइन से आपको ये क्लियर हो जाएगा क्या, इट प्रेफर्स द वैल्यू दैट रूल्स आउट द फ्यूएस्ट चॉइसेस for the neighboring variables in the constraint graph. क्या मतलब हुआ? Suppose करो Western Australia को red दिया and Northern Territories को green. जो example हम पिछले videos से करते आ रहे हैं, वही example इसमें भी करेंगे, right? So अब मैंने क्या किया? मैंने कहा according to this least constraining value heuristic, ऐसा अगला variable select करो, prefers the value that rules out the fewest choices for the neighboring variables in the constraint graph. अब suppose करो मैंने Queensland को value देना है, ठीक है? तो मैं इसमें ऐसी वैल्यू डालूंगा जिससे कि नंबर ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स बाकियों पर, इन तीनों पर कम पड़े। फॉर एग्जाम्पल, क्वींसलैंड को अगर मैं देता हूं ब्लू, तो क्या आपको ये बात दिखती है कि रेड इसको आ गया, ग्रीन इसको आ गया, ब्लू इसको आ गया, सदर्न ऑस्ट्रेलिया के पास कोई कलर नहीं बचता। ये बात आपको दिखती है? अगर मैं क्वींसलैंड को रेड दे देता हूं तो सदर्न ऑस्ट्रेलिया के पास ब्लू कलर आने का चांस है। तो यही हमें लीस्ट कंस्ट्रेनिंग वैल्यू ह्यूरिस्टिक बोलता है। अकॉर्डिंग टू दिस ह्यूरिस्टिक हमने इसको ऐसी वैल्यू देनी है किसी भी वेरिएबल को जिससे कि नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स सबसे कम हो, एंड यही इसमें एक खासियत है, इट गोज फॉर मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब जब हमने फर्स्ट वीडियो में सीएसपी की बनाया था ना अपना स्टेट स्पेस ट्री, तो वो तो चलो विदाउट कंस्ट्रेंट्स था, बट इसके थ्रू भी हमारा स्टेट स्पेस ट्री बड़ा बनेगा एंड हम बहुत सारे ऑप्शंस को सर्च कर सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शंस कम होंगे, कुछ ऑप्शंस कम हो जाएंगे एज कंपेयर टू द अर्लियर स्टेट स्पेस ट्री जो हमने फर्स्ट वीडियो में बनाया विदाउट एनी कॉन्स्ट्रेंट। तो बेसिकली लीस्ट कॉन्स्ट्रेनिंग वैल्यू ह्यूरिस्टिक हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी प्रॉब्लम के फाइनल सोल्यूशन में पहुंचते हुए काफी सारे उसके रास्तों को देखना होता है। लाइक वी वॉन्ट टू एक्सप्लोर a lot many options, a lot many ways through which the problem can be solved, right? So ye basically, ye ab jo definition padho, it prefers the value that rules out the fewest choices, value matlab iski value that rules out the fewest choices for the neighboring variables in the constraint graph. Clear hua ki iski jo value hai wo aisi value honi chahiye ki jo baki ke variables hai na unme constraints kam pade yaar, और उनको वैल्यूज जो है वो मिल सके। फ्यूएस्ट रूल्स आउट द फ्यूएस्ट चॉइसेस मतलब कि उनको जो है वैल्यूज, अब वैल्यू समझो डोमेन वैल्यूज, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया, तो बेसिकली उनकी जो वैल्यूज है वो बढ़ सके, उनकी वैल्यूज पे कॉन्स्ट्रेंट ना लग सके। ये हमें बताता है लीस्ट कॉन्स्ट्रेनिंग वैल्यू ह्यूरिस्टिक। So that's all for this video. अगर आपको video अच्छा लगा हो so please share it with your friends and do subscribe to my YouTube channel and yes, please like this video. Thank you.